हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 3.3 फ्रॉम चैप्टर सर्कल ऑफ मैथ्स टू फ्रॉम टेंथ क्लास महाराष्ट्र बोर्ड तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया है इन द फिगर पॉइंट्स जी डी ई एफ आर कॉन साइकिल पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी तो देखिए फ्रेंड्स ये सर्कल विद सेंटर सी यहाँ पे पॉइंट जी देन डी E, F यह है कौन साइक्लिक पॉइंट्स अब कौन साइक्लिक पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जो प्रेजेंट है कहाँ पे ऑन द सर्कम्फर ऑफ अ सर्कल ठीक है फ्रेंड्स अब उसके बाद आपको दिया है एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री तो देखिए एंगल ई e, सी एफ यह एंगल दिया आपको सेवेंटी डिग्री देन मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ इज इक्वल टू टू हंड्रेड डिग्री तो कहाँ पर आर्क डी जी एफ देखिए आर्क डी देन जी एफ तो ये जो आर्क है इसका मेजर आपको दिया है टू हंड्रेड डिग्री आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ़ आग डी ई तो देखिए यह है मेजर ऑफ आर्ग डी ई और आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ़ आर डी ई एफ डी ई एफ तो फ्रेंड्स देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे मेजर ऑफ आर्ग डी तो देखिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एंगल ई सी एफ़ को देखिए एंगल ई सी एफ अगर सेवेंटी डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्ग रहेगा वो भी कितना रहेगा सेवेंटी डिग्री अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ माइनर आर दैट मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू इट्स करेस्पॉन्डिंग माइनर आग तो ये ई एफ कितना हो जाएगा सेवेंटी डिग्री का अब देखिए आपको आर्क पता है डी जी एफ टू हंड्रेड डिग्री ये आर कितना है सेवेंटी डिग्री का तो फिर आप आर्क डी भी फाइंड कर सकते हैं कैसे थ्री सिक्सटी माइनस सम ऑफ द मेजर ऑफ़ दिस टू आर्स ठीक है तो आपको मिल जाएगा आर्क डी अब उसके बाद देखिए आपको फाइंड करना मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ तो डी ई एफ ये कैसे फाइंड करेंगे आप आर्क डी ई प्लस आर्क ई एफ को क्या कर देंगे ऐड तो इन दो को जब ऐड करेंगे तो आपको आर्क मिलेगा डी ई एफ ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इन अ सर्कल विद सेंटर सी इन अ सर्कल विद सेंटर सी इन अ सर्कल विद सेंटर सी विद सेंटर सी तो आपको क्या पता है इन दिस सर्कल विद सेंटर सी आपको पता है मेजर ऑफ एंगल मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क कौन सा ई एफ ठीक तो देखिए एंगल ई सी एफ इसका मेजर किसे इक्वल रहेगा मेजर ऑफ आर्क ई एफ को इसका रीजन आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क ठीक है और आपको देखिए एंगल पता है एंगल कितना है सेवेंटी डिग्री का तो हम लिखेंगे बट मेजर ऑफ एंगल बट मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ इज सेवेंटी डिग्री दिस वन इज गिवन ये आपको क्वेश्चन में गिवन था तो अगर एंगल ई सी एफ सेवेंटी डिग्री का है तो ये आर्क भी कितना रहेगा सेवनटी डिग्री का सो फोर मेजर ऑफ आर्क ई एफ जी कितना रहेगा सेवेंटी डिग्री ठीक है ये देंगे इक्वेशन नंबर वन तो अब फ्रेंड देखिए आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क डी तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम क्या करेंगे इन सभी आर्क्स का एडिशन करेंगे ठीक है तो अब हम लिखेंगे नाउ व्हाट मेजर ऑफ आर्क मेजर ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क मेजर ऑफ आर्क ई एफ प्लस मेजर ऑफ आर्क कौन सा डी जी एफ इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री देखिए आपने तीन ही आर्स को ऐड कर दिया है यहाँ पर आर्ग डी प्लस आर्क ई एफ प्लस आर्क डी जी एफ तो तीनों आर्ग्स को एडिशन कर रहे हैं और वो कितना रहेगा थ्री सिक्सटी डिग्री का क्या रीज़न है इसका मेजर ऑफ अ सर्कल मेजर ऑफ अ सर्कल आपको पता है कितना रहता है थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है अब देखिए यहाँ पे आर्क डी आपको फाइंड करना है ई एफ पता है और डी जी एफ पता है तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर लिखेंगे दे फोर मेजर ऑफ़ आर्क डी ई प्लस ये हो जाएगा सेवेंटी डिग्री प्लस ये हो जाएगा टू हंड्रेड डिग्री इज इक्वल टू ये आएगा थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है इक्वल टू अब यहाँ पे सेवेंटी प्लस टू हंड्रेड यह हो जाएगा टू सेवेंटी सो देर फोर मेजर ऑफ आर्क ये आएगा डी ई इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री अब करेंगे माइनस ये हो जाएगा टू सेवेंटी इसे आप लिखे जाएंगे कहाँ पे राइट right साइड में तो ये हो जाएगा माइनस टू सेवेंटी तो कितना आएगा ये देयर फोर हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क डी ई ये आएगा नाइन्टी डिग्री ठीक है सुद्यारपुर मेजर ऑफ आर डी ई यह आएगा कितना नाइन्टी डिग्री ठीक है फ्रेंड्स ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर टू और देखिए ये आपको फाइंड करना था अब आप, फ्रेंड्स आपको देखिए क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ तो देखिए डी ई e एफ तो कैसे बनेगा ये आर्क आर्क डी ई प्लस ई एफ तो अब लिखेंगे नाउ मेजर ऑफ आर्क मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ ये निकलेंगे आपका आर्क कौन सा आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क कौन सा ई e एफ ठीक है इसका रीज़न आप लिखेंगे आर्क एडिशन प्रॉपर्टी मतलब दो स्मॉल आर्क का एडिशन रहेगा बिगर आर्क आर्क एडिशन प्रॉपर्टी ठीक है तो उसे हम कहते हैं आर्क एडिशन प्रॉपर्टी अब फिर देखें यहाँ पे आर्क डी आपको पता है नाइन्टी डिग्री का देन ई एफ भी आपको पता है सेवेंटी डिग्री तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाइन्टी डिग्री प्लस सेवेंटी डिग्री और ये आ गया फ्रॉम टू एंड थ्री फ्रॉम टू एंड थ्री ठीक है तो कितना होगा नाइन्टी प्लस सेवेंटी ये हो जाएगा वन सिक्सटी डिग्री सो दे फोर आपको मिलेगा मेजर ऑफ आग डी ई एफ ये देखिए कितना मिले आपको वन सिक्सटी डिग्री तो फाइनली देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है मेजर ऑफ आग डी ई है नाइन्टी डिग्री और मेजर ऑफ आग डी ई एफ ये कितना है वन सिक्सटी डिग्री ठीक है फ्रेंड तो देखिए इस तरह आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू तो फ्रेंड्स देखिए अब यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम द सेम प्रैक्टिस सेट 3.3 पॉइंट थ्री यहाँ पर आपको दिया है ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्वेटल ट्राइंगल तो देखिए यह ट्रैंगल क्यू आर एस विच इज एन इक्वेटल ट्राएंगल प्रूव दैट आर्क आर एस कॉन्ग्रेन टू आर क्यू एस कांग्रेन टू आर क्यू आर तो देखिए आपको प्रूफ करना है आर्क आर एस कॉन्ग्रेन टू आर क्यू एस कांग्रेन टू आर क्यू आर तो आपको ये तीनों आर्स कॉमेन प्रूफ करना है उसके बाद आपको प्रूफ करना है मेजर ऑफ आर क्यू आर एस इज टू फोर्टी डिग्री मेजर ऑफ आर क्यू आर एस इज टू फोर्टी डिग्री ठीक है तो कैसे प्रूफ करेंगे चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल क्यू आर एस ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ये देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपको गिवन है प्रूफ में इक्विलेटरल ट्राइंगल ये आपको गिवन है ठीक है तो ये दिस वन इज गिवन और आपको पता है कि अगर ट्राइंगल इक्वेर ट्राइंगल है तो इसका मतलब सभी साइड्स क्या रहेंगे कांग्रेन रहेंगे सो so, दोर हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेगमेंट क्यू आर कॉन्गोरेन्ट टू सेगमेंट क्यू एस कॉन्गोरेंट टू सेगमेंट कौन सी रहेंगी आर एस टी साइड्स ऑफ इक्वे ट्राइंगल सभी क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दे फोर कॉड कौन सा कॉड क्यू आर देन कॉन्गोरेन टू कॉड कौन सा क्यू एस कांग्रेन टू कौन सा कॉर्ड कॉर्ड आर एस तो सभी देखिए सेगमेंट्स कांग्रेंट है तो ये सेगमेंट्स मतलब ही क्या है इस सर्कल के कॉर्ड्स है तो कॉर्ड्स भी क्या हो गए कांग्रेन और आपको ये भी पता है कि अगर कॉर्ड्स कांग्रेंट है तो उनके करेस्पोंडिंग आर्क भी क्या रहेंगे कांग्रेंट रहेंगे ठीक है तो कॉर्ड क्यू आर का करिस्पोंडिंग आर्क हो यहाँ पे क्यू आर लिखेंगे दे फोर आर्क कौन सा क्यू आर ये रहेंगे कांग्रेंट किसे आर्क क्यू एस को कॉर्ड क्यू एस का आर्क देखिए क्यू एस है फिर वैसे ही कॉर्ड आर एस का जो करेस्पोंडिंग आर्क है वो है कॉर्ड सॉरी आर्क आर एस तो यहाँ पर लिखेंगे आर्क आर एस और इसका रीजन क्या है इसका रीजन है करस्पोंडिंग आर्ट्स करस्पोंडिंग आर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट आर कॉन्ग्रेंट ठीक है जो करेस्पोंडिंग आर्स है कांग्रेंट कॉर्ड के वो क्या रहते हैं कॉन्ग्रेंट रहते हैं ठीक फ्रेंड्स सो दैट इज अब इसको आपको जो प्रूफ में चाहिए वैसा लिख देंगे आप सो so दे लिखेंगे आर्क आर एस कॉन्गोरेन टू आर्क क्यू एस कॉन्गोरेन टू आर्क क्यू आर ठीक है तो देखिए यही आपको प्रूफ करना था तो ये देखिए ये हो चुका है आपका फर्स्ट प्रूफ आपको, आपको देखिए क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस दैट इज टू फोर्टी डिग्री तो आपको इससे प्रूफ करना है तो क्या करेंगे अब देखिए हम अज्यूम करेंगे लेट लेट मेजर ऑफ आर्क मेजर ऑफ आर्क आर एस इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल टू मेजर ऑफ आर क्यू आर इज इक्वल टू एक्स ठीक है क्योंकि सभी आर्स कॉन्ग्रेंट है तो इनका मेजर भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा इसलिए हमने अज्यूम कर लिया है एक्स इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर लेट्स से टू और यह इक्वेशन नंबर वन ठीक है 1. अब क्या करेंगे आप हम सभी आर्स की एडिशन करेंगे सुनना so हो हम यूज करने वाले हैं आर्क एडिशन प्रॉपर्टी तो यहाँ पे करेंगे मेजर ऑफ़ आर्क ये आएगा आर एस प्लस मेजर ऑफ आर क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर क्यू आर और ये रहेगा टोटल थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक आर्क एडिशन प्रॉपर्टी या फिर आप लिख सकते हैं मेजर ऑफ अ सर्कल इज थ्री सिक्सटी तो येगा मेजर ऑफ अ सर्कल इज थ्री सिक्सटी डिग्री सर्कल इज थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे ये आर एस क्यू एस क्यू आई सभी आर्स आपने अज्यूम किया है एक्स तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री तो कितना हो गया थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री सो देर फोर एक्स कितना आएगा यह आएगा थ्री सिक्सटी बाय थ्री तो कितना आएगा थ्री सिक्सटी बाय थ्री यह आएगा एक्स इज इक्वल टू वन टू जीरो मतलब एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है यहाँ पे वन ट्वेंटी अब आपको देखिए क्या फाइंड करना था आपको फाइंड करना था मेजर ऑफ़ आर्क क्यू आर एस तो वो कैसे लिखेंगे आप मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस नाव हम लिखेंगे नाव मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस तो ये कैसे आएगा ये आएगा मेजर ऑफ आर्क क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस तो देखिए ये क्यू आर एस तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आर्क क्यू आर और आर्क आर एस को देखिए यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ठीक तो है तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर्क ये रहेगा आर एस यहाँ पे आ गया आर्क एडिशन प्रॉपर्टी मतलब आपको दो छोटे आर्स को ऐड करना है तो आपको मिलेगा बड़ा आर्क दैट इज आर्क एडिशन प्रॉपर्टी ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे क्यू आर ये कितना है एक्स देन यहाँ पे भी ये कितना है एक्स या, या फ्रॉम वन या आ गया फ्रॉम वन आपने अज्यूम किया यहाँ पे देखिए वन में सॉरी टू में तो यहाँ पे आएगा टू ठीक है अब एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स तो ये हो जाएगा टू एक्स और देखिए आपको x की वैल्यू पता है 120 डिग्री तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू इंटू एक्स वैल्यू इज़ वन ट्वेंटी आ गया फ्रॉम इक्वेशन थ्री तो यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रॉम थ्री ठीक तो अब ये टू इंटू वन ट्वेंटी ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा टू फोर जीरो डिग्री सो दे आपको मिला है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस ये आपको मिल चुका है टू फोर्टी डिग्री ठीक है फ्रेंड तो देखिए आपको यही फाइंड करना था ये प्रूफ करना था मेजर ऑफ क्यू आर एस इज टू फोर्टी डिग्री तो देखिए यहाँ पे मेजर ऑफ आर क्यू आर एस टू फोर्टी डिग्री तो फाइनली देखिए आपको इस तरह इसे सॉल्व करना है इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है 3. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे यह है क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम प्रैक्टिस सेट थ्री पॉइंट थ्री और यहाँ पे आपको दिया है इन द फिगर कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी तो देखिए यह है कॉर्ड ए बी और यह कॉर्ड सी डी दोनों कॉर्ड्स दिए आपको कांग्रेन आपको प्रूफ करना है आर्क ए सी कांग्रेन टू आर्क बी डी आपको आर्क ए सी और आर्क बी डी को कांग्रेन प्रूफ करना है तो देखिए फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल है ये कैसे करेंगे हम यहाँ पे सबसे सब पहले लिखेंगे क्या हियर कॉर्ड ए बी कॉड ए बी एस कॉन्ग्रेंट कॉड ए बी एस कॉन्ग्रेंट टू किसे कॉर्ड सी डी को और देखिए ये आपको गिवन है और आपको पता है कि अगर दो कॉर्ड्स कांग्रेंट है तो उनके करिस्पॉन्डिंग माइनर आर्क भी क्या रहेंगे कांग्रेन रहेंगे ठीक है तो देखिए ये वाला जो आर्क ए बी है ये ये जो आर्क है ये भी क्या रहेगा कांग्रेन so, हम लिखेंगे आर्क ए बी ये हो जाएगा कांग्रेन टू आर्क सी डी ठीक है तो कॉर्ड उनके कॉड कांग्रेन भी क्या रहेंगे कॉन्ग्रेन इसका रीजन आप लिखेंगे क्या करेस्पोंडिंग आक्स करिस्पोंडिंग आक्स ऑफ कॉन्ग्रेन कॉर्ड्स करेस्पोंडिंग आक्स ऑफ कॉर्ड्स कॉर्ड कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेन कॉर्ड्स आर ग्रेंट ठीक है ये एक थेरम है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए अगर आर्क कांग्रेन है उनका मेजर भी क्या रहेगा इक्वल आप लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क ए बी ये रहेगा इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी ठीक है अगर आर्स कांग्रेन है तो उनका मेजर भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा ठीक है है इक्वेशन नंबर वन बट फ्रेंड देखिए आपको ये भी पता है बट मेजर ऑफ आर्क ए बी ये किससे इक्वल है ये इक्वल है मेजर ऑफ आर्क ए बी ये इक्वल रहेगा मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस सी बी को तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी बी ठीक है मेजर ऑफ आर्क रहेगा ये सी बी ठीक है फ्रेंड्स इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर टू इसका रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा फिर अब लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क यहाँ पे नेक्स्ट है सी डी तो देखिए मेजर ऑफ आर्क सी डी कहाँ पर है यह सी डी तो ये कैसे आएगा मेजर ऑफ आर्क सी बी प्लस बी डी तो यह आएगा मेजर ऑफ आर्क सी बी प्लस ये आएगा मेजर ऑफ आर्क ये क्या आएगा बी डी इसे आप देंगे इक्वेशन थ्री और ये दोनों का रीजन एक ही है क्या आर्क एडिशन प्रॉपर्टी आर्क एडिशन प्रॉपर्टी ठीक है फ्रेंड तो देखिए ये इसका रीज़न आर्क एडिशन प्रॉपर्टी अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं देखिए सेकंड और थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पे इक्वल दिया इक्वेशन वन में मेजर ऑफ आर्क ए बी और मेजर ऑफ आर्क सी डी इक्वल है तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे इक्वल तो हम लिखेंगे फ्रॉम वन टू एंड थ्री फ्रॉम वन टू एंड थ्री फ्रॉम वन टू एंड थ्री क्या सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी इक्वल सो देर फॉर हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क ये रहेगा ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क कौन सा रहेगा सी बी इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा मेजर ऑफ आर्क ये रहेगा सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ये रहेगा बी डी ठीक फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे ये मेजर ऑफ आर्क सी बी और देखिए ये मेजर ऑफ आर्क सी बी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या बचा आपके पास आपके पास बचा है मेजर ऑफ आर्क कौन सा आर्क है ए सी यह इक्वल किसे मेजर ऑफ आर्क किस आर्क को बी डी और आपको पता है कि दोनों आर्क अगर इक्वल है तो वो क्या रहेंगे कॉन्ग्रेंट सो देयरफॉर आप लिखेंगे आर्क ए सी कॉन्ग्रेन टू आर्क बी डी ठीक है फ्रेंड तो देखिए फाइनली इस तरह ये प्रूफ हो चुका है ठीक है फ्रेंड तो देखिए काफी सिंपल थे प्रैक्टिस सेट 3.3 के प्रॉब्लम्स. जस्ट आपको यहाँ पे एक ही मेन थ्योरम यूज करना था मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स में और वो कौन सा था यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग आर्कस ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स आर कांग्रेंट और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ये हमेशा इक्वल रहेगा करेस्पॉन्डिंग माइनर आर को तो बस इन दो थेरम्स को यूज़ करके या इन दो प्रॉपर्टीज को यूज़ करके देखिए हमने तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया ठीक है तो काफ़ी सिंपल थे अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक दूसरा टॉपिक तब तक आप इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग